Moi. हेलो व्यूअर्स, दिस इज लक्ष्य, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं तेजम के अंदर, जो कि उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। तो आज हमारी राइड का आखिरी डे है, तो सोचा एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए इस कैंपिंग सेटअप के ऊपर जो कि हम इस राइड पे यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया था मॉनसून राइड। तो मेरे पीछे में पूरा कैंपिंग सेटअप है जो हम पिछले 5 दिनों से यूज़ कर रहे हैं इस राइड के ऊपर। तो सोचा एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए आप सभी लोगों के लिए, कि आपको पता लगे कि डेप्थ में हम क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहे हैं और क्या सेफ्टी प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं कैंपिंग के दौरान। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सैम भाई के साथ में, क्योंकि उनको सब पता है कैंपिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो सैम भाई एक बार आ जाओ। हाय गाइस। तो सैम भाई का सारा सेटअप पीछे पड़ा हुआ है, तो सैम भाई हमें एक एक स्टेप करके बताएंगे कैंपिंग में हम क्या क्या यूज़ कर रहे थे और कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, और जो भी लिंक्स वगैरह होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो सैम भाई स्टार्ट करें इस वीडियो को। Sure. तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज बात करने वाले टोटल कैंपिंग एसेसरीज के बारे में। और मैं सबसे पहले बता दूं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कैंपिंग्स अकेले करो। आप करो तो ग्रुप के साथ करो और पूरी सेफ्टी के साथ करो, अदरवाइज़ कैंपिंग मत कर रहा, क्योंकि बहुत ही रिस्की होता है। इनकेस अगर आपको कुछ हो गया तो फिर घर वालों को प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप कभी भी कैंपिंग करो तो अपनी ऑन रिस्क पे करना। कभी हमें देखकर एक्साइटेड मत हो जाना कैंप उठा के आप जंगलों में आ जाओ और स्टे कहीं भी कैंप लगा दो। तो इसके बहुत लंबे प्रोसेस है जो आपको काफ़ी सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ऑल ओवर छोटा छोटा मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है टेंट की। तो मैं आपको कोई भी ब्रांड सजेस्ट नहीं करूँगा, ना ही कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। ये मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ केचुआ का 2% टेंट। मिनिमम आप 2% टेंट वाला लीजिए, बिकॉज आपको एक तरफ लगेज रखना पड़ता है और एक तरफ आप खुद सोते हो। तो केचुआ का ये है अभी 2% टेंट, दिखा दीजिए एक बार आपको अंदर से। तो गाइस, इसके अंदर 2 बंदे आराम से रह सकते हैं। आप साइड वॉल पे थोड़ा सा लगेज रखें, बट वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, आप आराम से सो नहीं पाएंगे। तो एक बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब हम राइड करते हैं तो सारे हमारे टैंक बैग्स बैग एक तरफ हो जाते हैं और इस तरफ सैम भाई सोते हैं या हम सो जाते हैं। ओके, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप टेंट लेने वाले तो अमेज़न पे बहुत वैरायटी है, 1200-1500, आप उन पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं इसकी भी बुराई नहीं करूँगा, बस मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसके बाद एक इसी कंपनी में एक इससे ऊपर लेवल का टेंट आता है, वो होता है फ्रेश एंड ब्लैक 2% टेंट, और वो भी होता है, बस इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए। वो वाइट कलर का होता है। और टेंट लेने से पहले एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान कीजिएगा कि नीचे वाला जो ये स्टफ़ है ये कपड़े का ना हो, ये आपका तिरपाल का होना चाहिए। बिकॉज जब हम रात को सोते हैं तो नीचे हमारी बॉडी होती है हीट, तो नीचे से जो गीला होता है वो सारा पानी ऊपर आ जाता है और हम हो जाते हैं गीले, और हमारी आँख तभी खुलती है जब हमारी अंदर तक का इनर गारमेंट गीला नहीं हो जाता। तो मैंने आपको सजेस्ट करी दिया, आप सेम कंपनी का फ्रेश एंड ब्लैक वाइट कलर का टेंट आता है, आप उसे ज़रूर परचेज करें। इस पर ना जाइए, थोड़ा सा चीप है वो, इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट एक बात है कि थोड़ा सा महंगा एक बार ले लो पर लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। देन उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है रजाई गद्दे की। तो रजाई गद्दे के बेस पे हम यूज़ करते हैं स्लीपिंग बैग। मैं फिर आपको बोलूँगा, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा, यह है हमारा 5 डिग्री टेम्परेचर का स्लीपिंग बैग। आपको सजेस्ट करूँगा 5 डिग्री टेम्परेचर का आप स्लीपिंग बैग परचेस करें, बिकॉज रीज़न ये होता है कि कहीं पहाड़ों में होती है गर्मी तो कहीं होती है सर्दी। अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर का या -डिग्री टेम्परेचर का परचेस कर लेते हैं और जब गर्मी लगेगी तो आप सो भी नहीं पाएंगे और ठंड से बच भी नहीं पाएंगे। तो आप इसे लीजिए 5 डिग्री टेम्परेचर का। देन उसके बाद सेम ऐसी एक छोटी रजाई आती है जो सेम बहुत ही कॉम्पैक्ट पैक हो जाती है। इसका रीज़न यह है कि अगर आपको सर्दी लग रही है तो मिक्स करके सो लिया, गर्मी लग रही तो इसी को आपने गद्दा बना लिया। तो ये तो सैम भाई का सेटअप है। सैम भाई एक स्लीपिंग बैग भी कैरी करते हैं, रजाई भी कैरी करते हैं, बट मैं जो कैरी करता हूँ, मैं एक योगा मैट कैरी करता हूँ उसके ऊपर से एक स्लीपिंग बैग, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम था तो मेरे को लग रहा है कि अगली बार मेरे को रजाई भी कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस योगा मैट से जो ज़मीन का डिस्टेंस है ना कुछ पता नहीं चलता, सब पत्थर तक छुपते हैं। योगा मैट तो लोग ये बोलते हैं कि मेरे को गद्दे का काम करेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा योगा मैट आप कैरी करें सेम यही वाला, सेम MM जितना पतला ये है ये कैरी करें। योगा मैट हमें सेम वही सिचुएशन से बताते हैं कि नीचे से जब पानी आता है तो वो आपका हिस्सा गीला नहीं होगा, उसके ऊपर आप अपना ये अपना स्लीपिंग बैग लगाए आराम से सो जाए। तो इसको ज़रूर कैरी करें, क्योंकि एक बार आपका स्टफ़ सारा गीला हो गया
आपकी राइड हो जाएगी पूरी ख़राब, आपको फिर होटल लेके दो दिन वेट करना पड़ेगा सुखाने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं किचन पे कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हमें चाहिए होता है एक गैस चूल्हा। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, हैंस कंपनी का गैस चूल्हा है। इससे भी छोटे पोर्टेबल आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। मैं तो फुल देखो एडवेंचर करता हूँ तो मुझे प्रॉपर गैस चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यहाँ सिलेंडर लग जाता है और अच्छा खासा बैकअप मिल जाता है। और इसको यहाँ से लॉक करके हम इसे घुमाएंगे तो ये बर्न हो जाएगा, गैस स्टार्ट हो जाएगी। कभी भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके लॉक और अनलॉक पे ध्यान रखें। अगर आपने इसको यूज़ कर लिया है तो इसको अनलॉक करना ना भूलें, बिकॉज गैस का अगर ये थोड़ा सा घुमा भी रह गया तो आपकी गैस लीक होती रहेगी और गैस सारे में फैल जाएगी और बाई चांस आपने लाइटर ऑन किया तो ब्लास्ट होने का चांस है पूरा पूरा। क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं। और एक चीज़, इसके ऊपर कभी पूरा कवर वाला बर्तन कभी यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ से हीट होके ये सिलेंडर के ऊपर जाएगा और ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि कैंपिंग एक खुद में ही एक एडवेंचर है तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी पड़ती है। एग्जैक्टली, अगर आपने सेफ्टी यूज़ नहीं करी तो एक छोटी सी गलती और आपको बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकती है, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। देन उसके बाद आते हैं हम लोग बर्तन के ऊपर। सो मैं ये बर्तन यूज़ कर रहा हूँ, ये बर्तन होते हैं बर्फ़ जमाने वाले, आप लोगों के किसी ना किसी के घर में ज़रूर होगा। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनकी थिकनेस होती है पतली, ये बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं और पानी गर्म होकर आपका जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गैस का ये सिलेंडर बचता है। सजेस्ट करूँगा आपको, आप ऐसे चार बर्तन लें और दो इससे ऐसे में बड़े साइज़ में ज़रूर कैरी करें। अगर बाई चांस कोई पार्टनर मिल गया तो आपको थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना पड़ जाएगा, और इनकेस अगर आपको वाटर नहीं मिलता है, आपके बर्तन नहीं धुल पाते हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा बर्तन, फ्रेश बर्तन होने चाहिए, आप अगला खाना बना पाओ। देन उसके बाद हमें पड़ती है छोटी सी कढ़ाई की ज़रूरत, जिसमें हम बनाते हैं पकौड़े और कभी हम इसमें चिकन भी बना लेते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए कढ़ाई ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये एक छोटी सी कढ़ाई है जो मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद जैसे हमें सुबह एग ऑमलेट बनाना होता है, कुछ भी हमें तड़का दाल में तड़का लगाना होता है, उसके लिए मैं ये फ्राइंग पैन यूज़ करता हूँ। इसके आगे हैंडल लगता है, रिमूवेबल है, बस नट खोला, हैंडल लगाया और यूज़ कर लिया। देन उसके बाद आती है चम्मच, तो ये छोटे से डब्बे के अंदर मैं स्पून और ये फोक कैरी करता हूँ, जिससे नूडल्स खा लेते हैं और चम्मच से अपना खाना खा लिया। ये छन्नी है छोटी सी चाय छानने वाली, जो मेरे ये कॉफ़ी मग में आई थी, इसके अंदर ये इजीली इस तरीके से लग जाती है। और अपना चाय डाला और छान लिया और अपना एंजॉय किया नदी किनारे बैठ के। ओके, देन फिर हम आते हैं, हमें चाहिए होती है मिर्च मसालों की ज़रूरत, तो ये है लंच बॉक्स। ये मैंने दो खरीदे हुए हैं जिसके अंदर चार ऐसे डब्बे आते हैं, तो इसके अंदर आपका हल्दी हो गया, इसके अंदर आपका मिर्च हो गया, इसके अंदर आपका शुगर हो गया, एक के अंदर आपकी कॉफ़ी हो गई। तो सेम ऐसे ही ये मैं चार डब्बे इधर मैंने रखे हुए हैं, इसके अंदर सारा आपका मसाला पैक हो जाता है, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ। देन इसको फिर हमें ज़रूरत पड़ती है सुबह ऑमलेट बनाने के लिए, तो अंडा हम कैसे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बाइक पे एक अंडा कैरी करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है ना भाई। हाँ। तो उसके लिए ये मैंने छोटी सी मैंने ली हुई है ये ट्रे, जिसके अंदर इस तरीके से हम अंडे रख लेते हैं और पैक करके आराम से कहीं भी रख लेते हैं, टूटते नहीं है, बहुत लॉन्ग तक ये चल जाते हैं, कोई भी गड्ढा आए कोई भी कुछ है पर ये नहीं टूटेंगे। हाँ, ये नहीं टूटेंगे, हम टूट जाएंगे बाइक टूट जाएगी, अंडा नहीं टूटेगा। फिलहाल एक छोटा सा ग्लास कैरी करता हूँ पानी पीने के लिए या कुछ भी पीने के लिए। आई मीन मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ और सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि कभी आप कैंपिंग करो तो अल्कोहल पियो, बिकॉज छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पानी पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए, हर किसी के लिए काम आता है। देन दूध से याद आया, हम दूध कैसे कैरी करें, जो आपका सवाल था कि दूध कहाँ से आता है, आप कैसे फ्रेश रखते हैं, तो ये एक है मिल्टन कंपनी का थर्मोस्टील नाम से एक छोटा सा केटली, जिसके अंदर 24 आवर तक जो चीज़ हम इसके अंदर डालते हैं, गर्म पानी डालें, गर्म दूध डालें, वो एज इट इज़ रहता है। कंपनी का चैलेंज है 24 आवर तक ऐसे रहेगा। मैं फिर आपको बोलूँगा, किसी भी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बस इसके अंदर 24 आवर तक आपका फ्रेश रहता है, दूध, चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेव करने के लिए छोटा सा कवर भी है, कवर में हमने डाला और इसको पैक करके रख लिया।
सो ये तो क्या हमारा सोने का जुगाड़, खाने का जुगाड़, सारा सब कुछ हमारा सेटअप हो गया। अब काफ़ी लोगों के सवाल है कि भाई आप लोग नेचर में जाते हो, फिर सुबह वॉशरूम कैसे करते हो, खुले में जाते हो, आप गंदगी फैला रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उन सब के लिए मेरे पास पूरा जवाब है। सॉरी, जवाब नहीं बोलूँगा मैं आपको, इसके लिए इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम कहीं भी गंदगी नहीं करते हैं और सारा हाइजीनिक सारा मामला रखते हैं। तो आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा वॉशरूम टेंट जो पॉपअप टेंट के नाम से बहुत फेमस है। इसको सिंपली ओपन किया, ऊपर कर दिया। ये पॉपअप टेंट मैंने अमेजोन से लिया है, जो वॉशरूम टेंट अगर आप अमेजोन पे सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। और इसको फोल्ड करने का तरीका थोड़ा सा टफ है, अगर एक बार आपने सीख लिया तो कभी आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि सीट की, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, गार्बेज बैग लगा देते हैं जो नीचे लटक जाता है और चारों पॉइंट पे चिपक जाता है, और उसके ऊपर हम लोग बैठ के वॉशरूम हम यूज़ कर लेते हैं और जो बाकी का स्टफ़ रहता है उसको पैक करके डस्टबिन में डाल देते हैं। सो ये सारा सेटअप हो गया, रहने का भी, खाने का भी और अपना वॉशरूम का भी। अब रात जब अंधेरा हो जाएगा तब आप इन सब चीज़ों को इन्जॉय कैसे करेंगे, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी टॉर्च की जो आप क्लिक करके आराम से इसे ऑन कर सकते हैं। एक आप ये वाली टॉर्च कैरी करें, एक आप वो जो नॉर्मल टॉर्च होती है जो लॉन्ग थ्रो करती है, एक वो ज़रूर कैरी करें। सो आपको बताऊंगा, ये है हमारा स्टैंड जो हम DSLR पे यूज़ करते हैं, पूरे दिन में जो शूट करने के काम आता है। रात को क्या करते हैं, इसी को ऐसे हैंग कर लेते हैं। और ये एक LED बल्ब है 3 वॉट का जो USB के थ्रू चलता है, आप इसे पावर बैंक से चला सकते हैं, बाइक में अपने चार्जर कनेक्ट करके चला सकते हैं। सजेस्ट करूँगा 2 बल्ब यूज़ करें और टेंट के लेफ्ट और राइट साइड में आप इसको लगा के आप इसके ऑन कर दें ताकि आपके सारे में उजाला हो जाएगा और 2 टॉर्च आपके टेंट के अंदर रहेगी और एक आपको अगर बाई चांस लगता है कि कोई आसपास है तो लॉन्ग थ्रो से आप यूज़ करके आप उसे चेक कर सकते हो। सो गाइस, ये तो हो गया कैंपिंग से लेके केटरिंग से लेके वॉशरूम से लेके लाइटिंग। बट कैंपिंग करना हर जगह सेफ नहीं होता, अभी मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कैंपिंग अगर आप कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करो, हमारी वीडियोस देख के उतावले मत हो, ये सब चीज़ें मत खरीद लेना और कहीं जंगल में कैंपिंग करने मत चले जाना बाइक को ऐसा रेडी करके। क्यों मोनू भाई? बिल्कुल सही, क्योंकि हमने ये सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं और हमने ये चीज़ें देखी भी लिखी हैं, क्योंकि बहुत सारे BTR फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं वो यंगस्टर्स हैं और वो ये कदम उठाने वाले हैं, मेरे को वीडियो देख के लगता है। जल्दीबाजी में उठाया हुआ कदम कोई भी ठीक नहीं होता। तो एक बार सेफ्टी से रिलेटेड एक बार सैम भाई से पूरा डेप्थ में आपको पूछवा देते हैं कि आपको कैंपिंग में आगे जाके दिक्कत ना आए। बट फिर भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि कैंपिंग आप अपनी रिस्क पे करें, हमारी वीडियो देख के उतावले ना हो और ऐसे जगह पर जाके कैंपिंग ना करें, क्योंकि ये सब जगहें देखी हुई हैं, सोची हुई हैं और समझी हुई हैं। अच्छा, कैंपिंग करने का एक तरीका होता है और वो तरीका बताएंगे सैम पाजी। वो सैम भाई का नुस्खा है। तो कैंपिंग, मैं पिछले 2-2.5 साल से कैंपिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है, कभी बताऊँगा आपको, शेयर करूँगा। फिलहाल आपको बता दो, कभी भी अगर आपको कैंप करना है तो इस तरीके के गाँव होते हैं, गांव के साथ में अच्छा स्पेस होता है, आप गांव वाले से पूछ के उनके साथ में कैंपिंग करें और कहीं भी अकेले जंगल में कैंप ना कर ले। क्योंकि हमें अभी दिन में लोकेशन तो बहुत अच्छी लग रही है बट जब अंधेरा हो जाता है ना, हमें कुछ नहीं दिखाई देता और बहुत ही अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से हालात हो जाते हैं ख़राब। तो दिन में जितना ही खूबसूरत लगता है रात में उतना ही स्पूकी लगता है। तो रात को इतनी चंचनाहट की आवाज़ें आती थी, मैं तो डर रहा था, मैं कहा भाई अभी कोई आया, अभी कोई आया। नदी किनारे कभी भी कैंप करते हैं तो एक चीज़ हमेशा सोच लीजिए, नदी किनारे एक्टिविटी हमेशा होती है, तो नदी किनारे थोड़ा सेफ रहें, पास में कभी ना करें। तो ज़रूरी नहीं है कि जानवर आए, क्योंकि बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती हैं और माइंड को कब डाइवर्ट कर देती हैं आपको खुद पता नहीं चलेगा। कैंपिंग आप तभी करें जब तक आप हर प्रॉब्लम को फेस ना कर सको। अगर आपको डर लगता है तो आप बिल्कुल भी कैंपिंग ना करें, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसी ऐसी आवाज़ें भी आती है। कभी कभी दो घासों के आपस की रगड़ने की ऐसी आवाज़ आती है कि लगता है कि कोई साइड में चल रहा है, और उसी के चक्कर में हम लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं जो हम बाहर निकल के इधर उधर देखने जंगल में निकल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है शेर आएगा, भूत आएगा, हो सकता है सांप भी हो सकता है, लिजार्ड मॉनिटर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा टिप देता हूँ, एक रखिए एक बड़ा सा चाकू जो हैवी हो, जो इजीली टूटे ना। सेकेंड चीज़, कभी भी बॉनफायर ना कीजिए कि बॉनफायर लगा लिया और इन्जॉय करें, बिकॉज आग हमेशा जानवरों को अट्रैक्ट करती है जंगलों में। अगर कोई दूर जानवर होगा आग को देख के आपके पास ज़रूरी आ जाएगा। सो काफ़ी लोगों के सवाल है कि इतना सारा स्टफ़ मैं हिमालयन पे कैसे कैरी करता हूँ। तो फाइनली ये है अपनी
हिमालयन जो मेरी जान से प्यारी है और इसका नाम मैंने रखा हुआ है निम्बस BS4। तो आपको बताता हूँ, ये है साइड में दो पैनियर्स लगे हुए, एक टॉप बॉक्स लगा हुआ और ये है एम पाउचर। यहाँ एक चार्जर लगाया हुआ है और एक चार्जर लगाया हुआ है हमने बैक साइड में। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सारा किचन सेट अपना टॉप बॉक्स में आ जाता है, इधर स्लीपिंग बैग और अपने कपड़े आ गए, इधर अपना रजाई आ गया और टूल किट्स आ गई और दूध की बॉटल्स वगैरह आ गई। देन उसके बाद हमारा बचता है फूड। फूड हम यूज़ करते हैं जो ये ऊपर बैग रखे हुए हैं, ये बैग के अंदर हम सारा फूड कैरी करते हैं। देन उसके बाद हमारी पड़ती वाटर बॉटल और आपकी पेट्रोल बॉटल जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इस तरीके से दो बॉटल इस तरफ और पेट्रोल की दो बॉटल इस तरफ, दैट्स इट। तो ये सारी होगी कैंपिंग। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको छोटी सी टिप्स देता हूँ ताकि अगर आपको कहीं भी कैंपिंग करने नेचर को इन्जॉय करना है तो सबसे पहले जब आप आते हैं तो किसी भी गांव में आप आके ऐसी कैंप ना लगा दीजिए। आप सबसे पहले गांव वालों से परमिशन लीजिए, गांव वालों से सवाल कीजिए दो चार कि क्या यहाँ जानवर आते हैं, कोई ख़तरा तो नहीं है। अगर वो आपको हरी झंडी देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, देन आप कैंपिंग कीजिए। और अगर वो आपको बिल्कुल भी लगता है कि सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप अपना आगे निकल जाइए, कोई और स्पॉट ढूंढिए। फिर बार से बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती कहीं भी कैंपिंग नहीं करना क्योंकि वो आपकी जान को बहुत ही हानिकारक हो सकता है। फिर उसके बाद इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, नाइट में कैंप लगा लेते हैं, आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, लगता है कोई जानवर अटैक करने वाला है, कुछ भी होता है, तो अपने साथ में रखें पेट्रोल, एक लंबा डंडा रखें, उसके आगे लपेट लें कपड़ा, ताकि आप समझ गए होंगे इन केस आपको आग लगा के और अच्छे से किसी भी जानवर को भगाना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अपना कोई भी नाइफ और कोई भी हैवी स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। और कैंप करें सिर्फ अपने रिस्क पे, ये वीडियो देख के ये नहीं कि आप नॉर्मली कैंप कर लें, ये फिर बता रहे हैं आपको कि कैंप सिर्फ अपने रिस्क पे करिए। एग्जैक्टली, क्योंकि छोटी सी गलती और आपका जानलेवा हो सकती है। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिर हम सब मिलके बोल देते कि कैंपिंग अपने रिस्क पे करें, बिल्कुल भी ये वीडियोस देख के उतावले ना हो जाए और दिल्ली छोड़ के यहाँ पहाड़ों में मत आए। और सेकंड, अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहे हैं ना, तो सोलो मत करना, अपने किसी पार्टनर के साथ करना या फिर किसी अच्छे कैंपिंग स्पॉट पे ही करना। सिंगल सोलो फर्स्ट टाइम कैंपिंग मत करना। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर वो कैंपिंग करना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो ये देख लें। तो हम तीनों ने इस राइड पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा करा। होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो ये सफ़र अब चल पड़ा है दिल्ली की ओर, क्योंकि हमें हो चुके हैं ऑलमोस्ट 6 दिन, तो अब थोड़ा हमें होम सिक भी फीलिंग हो रही है। बिल्कुल। तो आगे अगर आप हमारा ये ग्रुप और बड़ा देखना चाहते हैं तो बताइए, कमेंट करिए और हम दोबारा एपिसोड ऐसा लेके आएंगे। बिल्कुल। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो टिल देन, राइड सेफ। दिस इज बॉर्न टू राइड विद सैम एंड मोनू। टिल देन, बाय बाय।